हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। एक सर्कुलर अभी आया है 11/2020 जो कि 24 मार्च 2020 को इशू हुआ है और ये उनके लिए बहुत अच्छी और राहत की खबर है जो कंपनी डिफ़ॉल्ट में है। डिफ़ॉल्ट का मतलब जिन्होंने अपनी रिटर्न जो उनके कंप्लायंसेस थे अगर उन्होंने टाइमली पूरा नहीं किया तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। बिना खर्चे के यानी कह सकते हैं नॉमिनल खर्चे पे आप अपने सारे कंप्लायंसेस पूरे कर सकते हैं। अगर आप कुछ न्यूज़ से देख रहे होंगे तो ROC के कंप्लायंसेस कॉस्ट बहुत बढ़ गए थे स्पेशली इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो इकोनॉमी की हालत है गवर्नमेंट को ये लगा कि एक ऐसी स्कीम की ज़रूरत है जहाँ बूस्ट भी कर सके, लोगों के कंप्लायंस कॉस्ट को कट कर सके और वहाँ पे लोगों को ये आफियत दी जाए कि किसी भी तरह का कोई एक तो खर्चा नहीं होगा और इम्यूनिटी भी दी जाएगी कि आप पे किसी भी तरह का प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कहा गया कि ऐसी कंपनी जो डिफ़ॉल्टिंग कंपनी का मतलब है, इन्होंने इसमें डिफाइन किया कि जो कंपनी डिफॉल्टिंग कंपनी में से कंपनी डिफाइन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड विच हैज़ मेड ए डिफॉल्ट इन अ फाइलिंग ऑफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट रिटर्न ETC इंक्लूडिंग एनुअल जो स्टेटरी कंप्लायंसेज होते हैं MCA 21। यानी अगर आपने ये कंप्लायंसेज पूरी नहीं किए हैं तो आपको ये मौका है 1/4/2020 से 30/9/2020 के बीच कि अगर आप ये कंप्लायंसेस पूरे कर देते हैं तो आप नॉमिनल फी के साथ बेनिफिट, कोई डिले चार्जेस नहीं होगा, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। लेकिन उसमें कहा गया कि प्रोसिक्यूशन अगर आपके डायरेक्टर पे किसी तरह का चल रहा होगा, वहाँ पे उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट कर रखा होगा, वो नहीं हटेगा, वो एक अलग है, उसमें किसी तरह का कोई बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कंप्लायंसेस आप उसको पूरा नहीं, उसको ये नहीं माना जाएगा कंप्लायंसेस पूरे। जैसे कि शेयर कैपिटल का पैसे को लेके कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है, डायरेक्टर पे केस चल रहा है, उसकी यहाँ से कोई लिंकिंग नहीं है। यहाँ पे केवल बात की गई है कि अगर आपने रिटर्न जो स्टेटमेंट कंप्लायंसेस पूरे नहीं किए हैं रिलेटेड टू रिटर्न एनुअल रिटर्न, उसको आपको कह सकते हैं कि इम्यूनिटी दी गई है। वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपको एक सेफ पैसेज दिया गया। अब इसमें पहले कुछ डिफिनीशन बताया गया, एक तो डिफॉल्टिंग कंपनी का मतलब बताया गया, डिजिग्नेटेड बताया गया, उसके अलावा एक इम्यूनिटी सर्टिफिकेट मिलेगा पूरे कंप्लायंसेज होने के बाद, उस पर भी हम बात करेंगे। ये भी बात करेंगे किस किस कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं है, ये भी बात करेंगे कि अगर सर्टिफिकेट सबमिट हो चुका है किस किस रीजन पे वो डिक्लाइन कर सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे। अगर आपके अगेंस्ट अपील चल रहा है तो हम सारे पॉइंट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंपनी ऐसी कंपनी का ये कह रहे हैं कि जिसने अपने रिटर्न नहीं फाइल किए, एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल किया, स्टेटरी कंप्लायंसेस पूरे नहीं किए, ये उनके लिए बात की गई। उनको कहा गया कि आप एक फॉर्म होगा CFSS 2020, इसको कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 के बीच एक उन्होंने फॉर्मेट दिया कि जिसमें आप नॉमिनल फी पे करके ऑनलाइन आपको सारे काम कर लेने हैं। लेकिन अब बात करते हैं, ये तो समझ में आएगा कि ऐसी कंपनी जो कि आप कह सकते हैं डिफॉल्टिंग कंपनी है उनको तो यह बेनिफिट मिल गया। अब पहले बात कर लेते किस पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। कह रहे हैं कि ऐसी कंपनी जिसकी स्ट्राइकिंग ऑफ अंडर सेक्शन 560 ऑलरेडी इनिशिएटेड हो चुका हो, आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, कोई ऐसी कंपनी जिसने स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई कर रखा हो उन पे नहीं होगा। उसके अलावा किसी कंपनी का एमलगमेशन हो गया होगा उस पे नहीं होगा। और अगर आप पे चार्ज क्रिएट है और इस तरह के कोई प्रॉब्लम है, आपने ऑथराइज कैपिटल बढ़ाया था, तब भी आप पे नहीं होगा। तो ये कंडीशंस हैं जहाँ पे आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप बाहर चले जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले एक तो हो गया कि डिफॉल्टिंग कंपनी का मतलब समझ गए। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं कि मेरे पे अपील मैंने फाइल कर रखा है और मेरे अगेंस्ट ऑर्डर है कुछ, क्या ये इम्यूनिटी मुझे मिल जाएगी? एकदम मिलेगी। अगर आप अपना अपील विड्रॉ कर लेते हैं और वहाँ पे इम्यूनिटी सर्टिफिकेट जाके प्रोड्यूस करते कि हाँ हमने इस स्कीम को ऑप्ट किया,
CFSS 2020, और उसका सर्टिफिकेट मेरे पास है। और अगर आप वह जाके सबमिशन देते हैं और जो ऑलरेडी अथॉरिटी ने केस आपके अगेंस्ट में कुछ फाइल भी कर रखा है, ऑर्डर फाइल कर रखा है, वहाँ पे अगर आप अपनी अपील को विड्रॉ कर लेते हैं तो ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि जहाँ पे ऑर्डर तो आ गया है, अपील पेंडिंग है, अपील अभी फाइल नहीं किए गए, तो उस केस में कहा गया कि अगर अपील का डेट 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 के बीच का है तो उसको 120 दिन का भी एक एडिशनल टाइम दे दिया गया, और उनको कहा गया कि अगर वो अप्लाई कर देते हैं इस स्कीम में, उनको भी ये बेनिफिट मिल जाएगा और उनके अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन चल रहा होगा, लेकिन वो प्रोसिक्यूशन केवल रिलेटेड रिटर्न और स्टेटमेंट और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू होना चाहिए, वहाँ पे भी ये बेनिफिट मिल जाएगा और आपको, आप कह सकते हैं कि आपको एक तरह का सेफ पैसेज मिल जाएगा, वहाँ भी आप बच के निकल जाएंगे, यानी कोई कंप्लायंस नहीं करना। लेकिन अगर डायरेक्टर को किसी तरह का लिटिगेशन चल रहा है तब ये बेनिफिट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया, यानी यही दो कंडीशन हो सकते जो उन्होंने बताया है। अब है कि आपने अप्लाई कर दिया, फी पे कर दिया, और अब डॉक्यूमेंट जो है कंसर्न अथॉरिटी के पास है, लेकिन किस किस केस में और भी डिक्लाइन कर सकता है। अब इम्यूनिटी कब नहीं प्रोवाइड की जा सकती है, जब ये मैटर कोई उनके अपील ऑलरेडी पेंडिंग हो कोर्ट में और मैनेजमेंट डिस्प्यूट चल रहा हो, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि वहाँ पर डिक्लाइन किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन कहा गया कि आपने पेपर फाइल कर दिया, लेकिन किसी अथॉरिटी ने ऑलरेडी आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर दिया, किसी कोर्ट ने, एनी मैटर और ऑर्डर इम्पोजिंग पेनाल्टी हैज बीन पास बाय दी एजुकेटिंग अथॉरिटी अंडर द एक्ट एंड नो अपील हैज बीन प्रीफर अगेंस्ट सच ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड एजुकेटिंग अथॉरिटी एज द केस मे बी बिफोर द स्कीम हैज कम इन टू द फोर्स, इनको भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि इनको आप बेनिफिट नहीं देंगे, वो जो सर्टिफिकेट था उसको डिक्लाइन कर दिया जाएगा। अब ऑर्डर पास कर, अगर ये केसेस नहीं है तो ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, उस ऑर्डर को लेके जैसे कि जो जो केसेस थे, जैसे कि आपने अपील विड्रॉ कर लिया, वहाँ पे अगर अपील फाइल नहीं की तो आप अपना पेपर लगा के वहाँ से निकल सकते हैं, यानी इस तरह की बेनिफिट है। अब इफ़ेक्ट ऑफ इम्यूनिटी क्या होगा, जैसे ये आपको ग्रांट हो जाएगा तो ऑल प्रोसिक्यूशन विड्रॉ हो जाएंगे If any before the commencement of the court proceeding, अगर कोर्ट के ऑर्डर के, तो यानी कि जो भी आपके अगेंस्ट में चल रहा होगा उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। इस इम्यूनिटी का फायदा ये है, यानी कि आपको एक तरह का मैसिव रिलीफ टैक्सेशन के पॉइंट, मैं टैक्सेशन कह रहा हूँ कि एक कॉस्ट के कॉस्ट वाइज, दूसरा आप लिटिगेशन में नहीं गए। अब एक दूसरा स्कीम है इनएक्टिव कंपनी के लिए, इनएक्टिव कंपनी के लिए कहा गया कि उनके लिए भी एक अलग से फॉर्म है, अगर वो चाहते हैं कि इनएक्टिव कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी में कन्वर्ट कर दें, उनके लिए एक फॉर्म दिया MSC 1, वहाँ पे जाके नॉमिनल फी पे करके वो अप्लाई कर सकते हैं और उस कंपनी की जो स्टेटस है उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैं ओवरऑल बात करूँ तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो बहुत तरह की रिपोर्ट आई कि 10 लाख 20 लाख पता नहीं कितनी कंपनी को इनएक्टिव कर दिया गया या डिफ़ॉल्ट कर दिया गया रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह से। तो ये उस टाइप की कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी कंपनी को एक्टिव करा ले और कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। मैं सेक्शन में नहीं जा रहा हूँ कौन कौन से सेक्शन थे उसमें, क्या वो उसमें नहीं जाना, आप समझिए कि आपको एक सेफ पैसेज दे दिया गया, आप उस रास्ते से बाहर निकल के बाहर चले जाएंगे। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप ड्रॉप बॉक्स में आके कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा और कोई आपको किसी तरह की परेशानी आ रही हो इस स्कीम में, उसके लिए भी, अगर आपको इस स्कीम में सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। अगर आपको लगता है कि इस स्कीम के थ्रू आपको कुछ फ़ायदा लेना चाहिए, हम वो आपको भी करा सकते हैं। तो प्रोफेशनली भी मदद कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वाइज भी मदद कर सकते हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना ना भूलें। इसके अलावा हम ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल हैं, हमारे मल्टीपल वीडियोस हैं, आप वहाँ पे जाके बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन टैक्स वेल्थ से रिलेटेड ले सकते हैं। हमारे सारे चैनल जो पार्टनर्स हैं सारे वेरीफाइड हैं, सारे प्रोफेशनल हैं, तो क्वालिटी की है, हम कोशिश करते हैं कि हम एक्यूरेसी रखें और आपको प्रोवाइड करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।